इज लाइक चुटकियों में हो जाएगा कोस्टल प्लेन चुटकियों में हो जाएगा इंडियन डेजर्ट चुटकियों में हो जाएगा हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज क्लास नाइन्थ वालों के लिए जो आपने पोलिंग में जिस भी चैप्टर को जितवाया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और फिजिकल फीचर्स में से वो था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया सो आई एम हेयर ऑन योर कमांड टू टीच यू दी होल चैप्टर इन जस्ट वन शॉर्ट ये दिस चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी एक ही शॉर्ट में यानि कि विद विद इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको इन्हीं स्लाइड में मिलने वाले हैं और ये पी पी टी आपको मिल जाएगी ऐप पर साइंस एंड फन की फ्री में आराम से आप उसको डाउनलोड कीजिए और सारी चीज़ें देखिए अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो मिनट की बात करना चाहूँगी वो ये है कि बेटा जी ये चैप्टर आप लोगों को मुश्किल लगता है यही नहीं बल्कि ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ वालों को थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि आपकी जो ज्योग्राफी है वो लर्निंग है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम रीमा घई है मैं आपको एस एस टी पढ़ाती हूँ ये मैंने आपको बताया ठीक है तो आपको इस चीज़ को लर्न करना पड़ा बिकॉज इट्स अ फैक्ट एम योर एडुकेटर रीमा घई और मैं साइंस एंड फन पे आपको एस एस टी पढ़ाती हूँ ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज़ फैक्ट्स हम लर्न करते हैं इसका कोई रीज़न नहीं है ऐसे ही फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमारे नेचर के बारे में हम बात करेंगे जिनके कुछ फैक्ट्स हैं दैट इज़ माउंटेन्स की हाइट क्या है सॉइल के टाइप्स क्या हैं उनमें फीचर्स क्या हैं सिक्स क्या हैं कौन से एरिया से बाउंड होती हैं कौन से एरिया को बाउंड करती हैं ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी लर्न करनी पड़ेगी और मैं मेरे ऑफलाइन के बच्चों को भी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मैं आप लोगों से भी करूँगी कि अभी इस चैप्टर को आप आराम से ईयरफोन्स लगा के 1.5x की स्पीड पे सुनिए आराम से सुनिए लेकिन 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 ये चैप्टर सुनने से नहीं होता है जब तक आप अपने हाथ में कलम और साथ में कॉपी लेके नहीं बैठेंगे और आप हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के पॉइंट्स खुद नहीं बनाएंगे मेरी स्लाइड से नहीं देखने एनसीआरटी में से देखने हैं पैराग्राफ पढ़ना है और उसके पॉइंट फॉर्म करने अगर आपने ये काम कर लिया आपकी आधी मुश्किल इस चैप्टर की हल हो जाएगी ये मेरी राय है आपसे हाथ जोड़ के विनती है क्योंकि ऐसे यह चैप्टर नहीं हो पाता है बेटा मैंने भी अपने टाइम पे यह चैप्टर ऐसे ही किया था तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी आप भी ऐसे कीजिए चाहे ये चैप्टर मैंने ड्रेनेज में भी उसका वन शॉट मैंने इसी चैनल पर डाला है ड्रेनेज के वन शॉट में भी बेटा मैंने आपको यही बात कही थी कि सारी रिवर्स अगर आपको करनी है तो आपको अपने हाथों से लिखनी होंगी मैं यहाँ पर भी आपको यही कहूँगी फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट डेप्थ में जाके बताने की समझाने की इस चैप्टर को कोशिश करूंगी लेकिन जो यहाँ विथ है हाइट है एरिया है ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे ऑन योर डिमांड आई एम डूइंग दिस चैप्टर अदरवाइज चैप्टर में लर्निंग और सेल्फ स्टडी वाला काम ज़्यादा है चलिए यही मेरी एडवाइस थी आपके लिए आई होप आप इसको मानेंगे और करेंगे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की तो पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती थी टेक्टोनिक प्लेट से लेकिन अब वो आपके इस सिलेबस से हट चुकी है बाय बाय हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंडिया है या हमारा जो वर्ल्ड है आप ऑस्ट्रेलिया देखते हो आप यू एस ए देखते हो आप फलाना देश देखते हो ये ऐसे नहीं थे ये ऐसे बाद में जाके बने पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंदवाना लैंड उस गोंदवाना लैंड में जब ये 200 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको उस गोंदवाना लैंड में कुछ ब्रेकेजेस हुए नेचर की वजह से ही और वो टुकड़ा कोई इधर गया कोई उधर गया कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया और तब जाके बने आपके अलग अलग देश अलग अलग जगहें जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे देश में बहुत सारी प्रोविंसेस हुआ करते थे 500 सौ प्रोविंस हुआ करते थे लेकिन बाद में हमारे देश के राजाओं ने कल्चर के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप्स में बांटा और अब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में वो बन गए हैं तो ये सब पॉसिबल हुआ कैसे धीरे धीरे समय के साथ तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ बहुत पुरानी गोंदवाना है यूरेशियन प्लेट है ये प्लेट्स में ब्रेकेजेस आए वो अलग अलग टुकड़े जाके बटे और बन गई हमारी धरती 225 मिलियन ईयर्स गोव द अर्थ कंटेन्ड अ सिंगल लैंड मार्स कॉल्ड पैंजियम

अच्छा आपको पता है कि हमारे जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उसमें पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ द ओल्डेस्ट मतलब हिमालया से भी पुराना है पेनिनसुला प्लेट्यू नाउ मैम वॉट इज़ प्लेट्यू प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड ये थोड़ी एलिवेटेड होती है थोड़ी सी ऊपर होती है लेकिन ये एक फ्लैट लैंड होती है ऊपर से फ्लैट लैंड होती है जैसे कि किताब अगर मैं आपको एक किताब दिखाऊं यहाँ पे तो इस किताब की बेटा जी हाइट है और ये हाइट की वजह से ये ऊपर एक फ्लैट लैंड है लेकिन तो ये क्या हो गई बेटा ये एक प्लाट्यू की तरह हो गया टेबल लैंड हो गया ठीक है बच्चों चलिए तो ऐसा रिजल्ट ऑफ कॉलिजन द सेडिमेंटरी रॉक्स ये पूरा आपको कहानी बताई हुई है जो अब हट चुकी है वैसे लेकिन इसमें यही बताया हुआ है जितने भी ड्रिफ्ट हुए जितने भी ये टुकड़े हुए उसी की वजह से आज आप जो शहर आज आप जो देश देख पाते हो ये इसी के कारण की वजह से है अब मेरी बात सुनिए बेटा एक होते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि फिजिकल डिवीजन फिज़िकल डिवीज़न इज़ वो मोटा है ये पतला है ये काला है ये गोरा है फिज़िकल डिवीज़न अंदर की जो डिविजन्स होते हैं वो तो आपका गुस्सा कैसा है आप खुश हो आपकी नेचर दिखाता है लेकिन फिजिकली आप कैसे हो वो फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं तो हम यहाँ भारत देश के फिजिकल फीचर के बारे में बात करने लगे हैं मेरे गले को क्या हो गया हेलो हेलो फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करने लगे हैं <laughs> है। और फिजिकल फीचर्स हैं हमारे देश के मेजर छः यू वोट बिलीव मेरी जो नीस है सर की बेटी वो फोर्थ क्लास में और ये सारे डिविजन्स वो पढ़ रही है अच्छे से लाइक अच्छे से ऑलमोस्ट सब कुछ है उसके में तो छह मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले है हिमालयन माउंटेंस फिर आती है नॉर्दर्न प्लेन्स फिर आते हैं पेनंसुला प्लेट्यू इंडियन डेजर्ट कोस्टल प्लेन्स एंड द आईलैंड्स ये तीनों बहुत छोटे हैं ये तीनों थोड़े से बड़े हैं सबसे बड़ा हिमालज फिर नॉर्दर्न प्लेन्स मैं आपको चैप्टर के लेंथ वाइज बता रही हूँ वैसे बड़े नहीं बता रही हूँ ठीक है जो समझना है डाउट सेशन में कमेंट्स में डाल दीजिएगा एक और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा मैं अभी अगर आपको टाइम बताऊं इलेवन फोर्टी फाइव रात के हो रहे हैं जो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आपका पोल देखा और लगा कि नहीं यार ये चैप्टर तो डालने की एक्चुअली बच्चों को ज़रूरत है तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि आप इस सेशन को लाइक कीजिए हमारी मेहनत को एक एक आपकी यही एक चीज़ है जो हम लोगों को मोटिवेट करती है लाइक कीजिए सेशन को कमेंट कीजिए लाइव स्ट्रीम में क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है लाइव में नहीं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए क्योंकि जितने आप कमेंट करेंगे उतना ये वीडियो आगे रेकमेंड होगी और लोग इसको देखेंगे तो आई विश आई होप यू शुड राइट अ कामेंट ओपी पी वॉट एवर सो साइंस एंड फन ओ पी आशू सर ओ पी रीमा मैम ओ पी वॉट एवर यू थिंक आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प ये लेक्चर करता है तो यू शुड डू अ कामेंट अ फेवर फॉर मी कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे दी हिमालयन माउंटेन से पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं है, है ना भाई पहाड़ों में मेरा बसेरा है अभी अभी मेरा गला बहुत खराब सा हो गया आई डोंट नो वाई बट हम यहां पे बात करने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में तो हिमालयन्स आर द यंगेस्ट माउंटेन जवान माउंटेन जवान इन द सेंस फॉर यू इट्स ओल्ड लेकिन जियोग्राफी की भाषा में इट्स नॉट सो so ओल्ड जियोग्राफी की भाषा में सो दो सौ साल इज लॉक लाइक नॉर्मल लेकिन और ये फोल्डेड माउंटेन्स है मुड़े हुए माउंटेन्स हैं द हिमालय रन अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि ये ऊपर की तरफ नॉर्दर्न बॉर्डर में चलते हैं और एक आख फॉर्म कर लेते हैं 2400 किलोमीटर लंबी ये एक इनकी आर्क है अब अगर आप इनकी विथ देखें बेटा तो इनकी विथ इस जगह पे तो 400 है 400 हंड्रेड किलोमीटर लेकिन अगर आप यहां देखो इनकी विट क्या हो जाती है बेटा कम यहाँ पे आके इनकी विट हो जाती है वन फिफ्टी किलोमीटर्स क्योंकि इस तरफ ज्यादा फिर नीचे आते 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 ये पतले हो रहे हैं ना पतले हो रही है इनकी विथ कम हो रही है तो दे अब यहाँ पे क्या आती है तीन रेंजेस आती है लॉन्जी मैम लॉन्जी तो लॉन्ग लाइंस होती है तो बेटा जी ये लॉन्जी ही तो हुई है ना माना ये आर्क लेटी हुई है लेकिन हम लॉन्जी वाइज ही तो डिवाइड कर रहे हैं ये लॉन्जी एक्सटेंट ही तो है तो ये तीन पैरल रेंजेस हैं मैंने अभी अभी गूगल से पिक्चर लगाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये तीन पैरल रेंजेस होती हैं पैरल रेंजेस में सबसे टॉप पे आता है आपका ग्रेटर हिमालयास, फिर आता है आपका लेसर हिमालयास और फिर आता है आपका शिवालिक्स आउटर हिमालयास, शिवालिक्स ठीक है अब ग्रेटर और इनर हिमालयास की बात कर लेते हैं ये नदर मोस्ट रेंज है सबसे ऊपर वाली और इसे कहा जाता है प्यार से हिमाद्री प्यार से हिमाद्री वन मार्कर क्वेश्चन बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं। आपको ऐप आप पे इसके एमसी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो दिस इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज इसमें लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं लॉफ्टीएस्ट मतलब स्नो बाउंडेड स्नो से घिरे हुए एवरेज हाइट है इनकी सिक्स थाउजेंड मीटर्स छ हजार मीटर्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स इसी रेंज में आती हैं एंड ये असिमेट्रिकल इन नेचर है बेटा जी बचपन में सीनरी बनाओ मैम बोलती थी हम बनाते थे ऐसे क्यों चिड़िया भी लगा दे नदी भी बना दे ना बचपन की याद पेड़ भी बना दे इसके साथ नाव भी चला रहे हैं ऐसे ही बनाते थे बेटा कभी भी माउंटेन्स ऐसे नहीं होते हम स्केल से बनाते थे नेव ऑलवेज माउंटेन्स आर असिमेट्रिकल इन नेचर ना उनकी पीक सिमेट्रिकल होती है ना उनकी स्लैंटिंग हाइट्स नेव तो दे आर असिमेट्रिकल इन नेचर और लॉफ्टी हाइट्स की वजह से ये जो एरिया है वो प्रिनेली स्नो बाउंड है बहता रहता है इसमें से पानी और स्ट्रीम्स निकलती रहती हैं आपने ड्रेनेज में पढ़ा है ड्रेनेज चैप्टर ऑलरेडी इसी चैनल पे मैंने पूरा वन शॉट डाला हुआ है यू कैन गो एंड चेक दैट टू हाँ जी नेक्स्ट इज द लेसर हिमालय द सेकंड रेंज ये लाए करती है ग्रेटर हिमालय से नीचे इसके ऑल्टीट्यूड जो होते हैं वो है थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर्स टू फॉर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स एवरेज विथ है फिफ्टी किलोमीटर्स ये तीन रेंजेस बताई इसकी विथ फिफ़्टी किलोमीटर्स बीच वाले की ये रेंज मेनली होती है इसके अंदर कम्प्रेस्ड रॉक्स पाए जाते हैं कंप्रेस रॉक्स पाए जाते हैं अब बात करते हैं शिवालिक्स द लेसर द आउटर हिमालयास शिवालिक्स जो है वो आउटर मोस्ट रेंज है बेटा सबसे आउटर मोस्ट रेंज है ऑफ़ द हिमालयस इसमें जो ऑल्टीट्यूड है वो नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड मीटर्स है अब देखो ना ये आपको लिखना पड़ेगा अच्छा देखो यार कोई भी कॉमेंट में ये लिखोगे मैम स्लाइड से हट जाओ हमें नोट करना है वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ये वन शॉट है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप स्लाइड्स को डाउनलोड कर लीजिए एंड देन आप उसको लिखिए ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल अभी आप पॉज कर लीजिए आप शिवालिक्स के पॉइंट्स लिखिए है ना ऐसे मैं नहीं रोकूंगी मैं साइड होंगी एक एक बार बस विथ होती है टेन टू फिफ्टी किलोमीटर्स मतलब ये सबसे पतली रेंज है इसके अंदर पाए जाते हैं सेडिमेंट्स छोटे छोटे पत्थर और वैली मैं आपको वैली का मतलब बता देती हूँ क्या होता है देखो बेटा जैसे सपोज ये दो रेंजेज हैं और बीच में पाई जाती है एक जगह उसे बोला जाता है वैली ठीक है अब जब भी वैली आएगा यू शुड नो कि वॉट इज अ वैली ओके अभी हमने बात करी हिमालयाज को लॉन्जिट्यूडनल बांट दिया नॉर्थ टू साउथ बांट दिया अब हम बात करेंगे हिमालयाज को ईस्ट टू वेस्ट बांटने की वेस्ट टू ईस्ट बांटने की ठीक है चलिए तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम हिमालयाज को बांटें तो नदियों की वजह से ये हिमालयास जो है वो बटे हुए हैं ये बहुत ही अच्छी पिक्चर मुझे लगी गूगल पर ऐसी टाइप किया नहा गई बहुत ही अच्छी इसमें समझाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट डिविज़न इज़ पंजाब हिमालयस जो मेरे पेड़ बैच के बच्चे हैं जो मेरी लाइव क्लासेस लेते हैं उनके लिए ई बुक यानी कि हमारी बुकलेट मैंने डाली हुई है उसमें ऑलरेडी सारे नोट्स विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपको अगर वो भी परचेज करनी है हमारी ऐप से मिल जाएगी बुकलेट होती है हमारे अपने हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं पंजाब हिमालयस ये पाई जाती है इंदस और सतलुज रिवर के बीच में इंदस और सतलुज रिवर्स के बीच में फिर आते हैं कुमाऊँ हिमालयस, ये पाए जाते हैं सतलुज और काली रिवर के बीच में फिर आते हैं नेपाल हिमालयस, ये काली और कोसी फिर आते हैं पतले से सिक्किम हिमालयस, कोसी और तीस्ता, फिर आते हैं दिहांग असम हिमालयस, तीस्ता से दिहांग यहीं पे दिहांग जॉर्ज भी आता है तो ये जो डिविजन्स हो गई ये हो गई वेस्ट टू ईस्ट पंजाब हिमालयास कुमाऊँ हिमालयास नेपाल हिमालयास सिक्किम हिमालयास असम हिमालयास ठीक है ओके तो पंजाब हिमालयास बता दिया इंदर से सतलुज के बीच में कुमाऊँ हिमालयास बता दिया सतलुज से काली काली से तिस्ता तिस्ता से दिहांग ये एक छोटा सा चार्ट भी मुझे बहुत प्यारा लगा चार्ट में आपको बताया हुआ है कि हिमालयाज आर डिवाइडेड इन वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न हिमालयाज में इंदर से काली हो गया जिसमें पंजाब हिमालयाज आता है और कुमाऊं हिमालयाज आता है और ईस्टर्न हिमालयाज़ में काली टू ब्रह्मपुत्रा हो गया एंड तक यानी कि नेपाल सिक्किम और असम हिमालयाज आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया यहाँ से वेस्टर्न यहाँ से इस पोर्शन को बोल दिया वेस्टर्न हिमालयस और इस पोर्शन को बोल दिया पूरा ईस्टर्न हिमालयास ओके बेटा हम्म ठीक है चलिए अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के इसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस अंत में आपको मिलने वाले हैं इस लेक्चर के अब बात करते हैं पूर्वांचल्स के बारे में जैसे कि आपने अभी देखा ये बिल्कुल लास्ट तक जाता है ये देखो ये देखो आप है ना साउथ की तरफ ये देखो पहाड़ से जा रहे हैं ये कैसे हो गया ये है पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स जिसे कहते हैं तो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालयस बिहाइंड द दिहांग जॉर्ज हिमालयस बेंड शार्पली टुवर्ड्स द साइड और ये बनाते हैं पूर्वांचल ये हिल्स जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं और इसमें सैंड स्टोन्स पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मिज़ो हिल्स दिस इज मिज़ो हिल्स दिस इज नागा हिल्स दिस इज पतकाय हिल्स और ये कहला गारो हिल्स खासी हिल्स जयंतिया हिल्स ये सारे पूर्वांचल्स हैं बेटा ये आपको इमेज से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये आपके एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे से इमेज से नहीं समझाया गया है तो प्लीज रेफर योर एनसीईआरटी एंड दी स्लाइड्स साथ-साथ ठीक है चलिए मेरा बच्चा तो ये था आपका हिमालयस अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगी टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसका आप आंसर दे रहे हैं मुझे कि तीन रेंजस के नाम बताइए तीन रेंजस के हिमालयस के लोंजिट्यूडनल रेंजस के नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी बता दीजिए टाइम स्टैंड डाल के आई वॉन्ट एवरी वन आंसर आई गिव माई हार्ट वेर लाइक करेगी मैम हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप मुझे बता दीजिए कि पंजाब हिमालयस कौन सी रिवर्स के बीच में लाए करती है ये दो सवाल ठीक है टाइमस्टैम्प डाल के बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ और वो है बच्चों नदन प्लेन्स नदन प्लेन्स क्या है जहां हम रहते हैं जहां पे बहुत ही प्यारी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी एलुवियल पाई जाती है ये है नॉर्दर्न प्लेन्स द नदन प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्मड बाय थ्री मेजर रिवर्स द इंडस द गंगा द ब्रह्मपुत्रा वी हैव ऑलरेडी रेड दिस इन ड्रेनेज चैप्टर और अगर आपने नहीं किया तो आप पढ़ेंगे उसके अंदर हिमालयन रिवर्स में तीन मेजर रिवर इन दस ब्रह्मपुत्र एंड गंगा तो ये तीनों से बनी है इनकी ट्रिब्यूट्री से बनी है हमारा ज कंपोज ऑफ एलिवियल सॉइल विच हैजिन डिपोजिटेड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स टोटल एरिया इज सेवन लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का नदन प्लेन पाया जाता है अराउंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स लंबा है एंड टू फोर्टी टू थ्री ट्वेंटी किलोमीटर्स चौड़ा है नदन प्लेन जो है वो आगे और डिवाइड हुआ हुआ है सेक्शन में पंजाब प्लेन गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन ये देखिए पंजाब प्लेन्स गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी रेंजेस पाई जा रही थी है ना अब उसके नीचे आपके नदन प्लेन्स आ गए फिजियोग्राफिक फिर प्लेट्यूज आ जाएंगे आपके है ना कोस्टल आइलैंड्स आ जाएंगे आपके आइलैंड्स आ जाएंगे आपके तो ऐसे ही चलता है पूरा हम मैप पढ़ने वाले हैं तो पंजाब प्लेन पंजाब प्लेन्स में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे हाँ Stay attentive. Okay. The Punjab Plains from the western part of the northern plain. This is formed by the Indus and its tributary like Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. Major portion जो है इस plain का वो पाकिस्तान में लाए करता है आपको बताओगा Indus नदी का twenty percent पानी से इंडिया यूज़ कर सकती है बाकि eighty percent is in Pakistan. Uh, देन आते हैं गंगा प्लेन्स ये प्लेन जो है वो घाघर तिस्ता रिवर्स के बीच में है यहाँ पे एरियाज लाइक हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार पार्ट ऑफ झारखंड वेस्ट बंगाल गंगा प्लेन में लाइक करते हैं आपको पता है दिल्ली में तो यमुना का इतना बड़ा योगदान है यमुना इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इट ब्रह्मपुत्रा प्लेन दिस प्लेन फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ये ईस्टर्न पार्ट में है ऑफ़ द नदन प्लेन एंड लाइज इन असम अभी हमने पढ़ा था असम हिमालया वाला रीजन देन बेस्ड ऑन द रिली फीचर्स द नदन प्लेन कैन बी डिवाइड इन टू फोर रीजन अभी इन रिलीजन इन रीजन्स को देख के चार भागों में बाट आर वेरी इंपॉर्टेंट भाबर तेरे भागर एंड खादर भांगर एंड खादर आर द टू टाइप्स ऑफ एलिवियल ऑयल द मोस्ट फर्टाइल वन ओके लेट्स रीड अबाउट ऑल द फोर फाइव मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में भाबर क्या होती है बेटा भाबर एक नारो बेल्ट है जो हिमालयन रीजन्स के नीचे पाई जाती है तो आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स रिवर क्या करती है कुछ पेबल्स इकट्ठे करके एक नारो बेल्ट फॉर्म कर लेती है जो अबाउट आठ से सोलह किलोमीटर चौड़ी होती है देन ये पैरल लाए करती है शिवालिक्स के हमने तीन रेंजेस पढ़ी थी उन तीन रेंजेस के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में भाबर लाए करता है फिर आती है तरई तरई इसी का सदन पार्ट है ये जो है इस रीजन में जो नदियाँ होती हैं स्ट्रीम्स होती हैं स्ट्रीम्स जो माउंटेन से प्रीनियली फ्लो करके आ रही हैं ये रीअपियर हो जाती हैं और इसी वजह से ये जो एरिया होता है वो थोड़ा सा वेटी मार्शी चिपचिपा गलीच सा कीचड़ भरा होता है ठीक है बच्चों फिर आते हैं भांगर एंड खादर भांगर एंड खादर इज द टू टाइप्स ऑफ एलिवियल सॉयल भांगर इज द ओल्ड एलि सॉयल एंड खादर इज द न्यू एलिवियल ऑयल भांगर इज़ फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर क्योंकि पीछे हो जाती है पुरानी होती है तो खादर फाइंड नियर द रिवर भांगर हैज़ कंकड़ पत्थर खादर हैज़ फाइन पार्टिकल्स भांगर इज लेस फर्टाइल खादर इज़ मोर फर्टाइल तो प्रॉपर इसमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है एग्जाम में मेरे लेक्चर में सब कुछ है डोंट थिंक मैम सिर्फ चैप्टर के नोट्स बना के लाई है मैम क्वेश्चंस भी लाई है बहुत सारे डिफरेंसेस भी लाई है बीच बीच में मैप्स भी लाई है सब फुल पैकेज फुल ओके द एंड प्लेट्यू तो दिस वाज ऑल अबाउट द नदन प्लेन्स, छोटा सा है प्यारा सा है अब आप मुझे जल्दी से इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे आर यू गाइज रेडी देखो यार हिमालयन हमारा सबसे ज्यादा टाइम ले गया था अब बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा हमारा ये चैप्टर देखो नदन प्लेन्स कितने पांच सात मिनट में हो भी गया चलिए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में दैट इज द एन सोल प्लेट्यू पेन प्लेट्यू क्या होता है पेन एन सोल टेबल लैंड ओ मैम क्वेश्चन पूछना भूल गई अभी पूछते हैं चलिए बताइए मुझे आप लोग कि भाबर की विट क्या है ठीक है भाबते रहिए हमने बात करी भाबर की विट क्या थी ठीक है टाइम स्टैम्प डाल के आंसर लिखेंगे आप लोग आई एक्सपेक्ट मेरे बच्चों भाबर की विट कितनी है बताइए और दूसरा सवाल आप मुझे बताइए के एलिवियल्स सॉइल के दो टाइप्स के नाम क्या है अभी अभी पूछा है अभी अभी बताया एलिवियल्स सॉइल के दो टाइप्स के नाम क्या है चलिए थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन इज पेनसोलर प्लेट्यू बेटा जी पहली बात तो पेनसोलर का मतलब होता है सराउंडेड बाय वॉटर फ्रॉम द थ्री साइड तो जो आपके मैप में जो वी शेप एरिया होता है नीचे का वो कहलाता है पेनसोलर प्लेट्यू रीजन जिसमें सेंट्रल हाईलैंड आते हैं डेकन प्लेट्यू आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है मेजरली सेंट्रल हाईलैंड एंड डेकन प्लेट्यू ओके दिस इज दिक्चर वन नंबर इज़ सेंट्रल हाई लैंड सेकेंड नंबर इज़ डन प्लेट्यू थर्ड इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू ओके तो द पेनसोला प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड और यहाँ पे पाए जाते हैं ओल्डेस्ट रॉक्स और तो और ये बना है गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग से काफ़ी वैलीज पाई जाती हैं यहाँ पे वैलीज में समझा चुकी हूँ राउंडेड हिल्स पाए जाते हैं, हैं। यहाँ पे राउंडेड हिल्स फॉर एग्जांपल ये कार पड़ी है ये ऊपर से देखो अगर आप राउंडेड है दिख रही है आपको मेरे बेटे की है ऐसे राउंडेड है ऊपर से तो दैट काइंड ऑफ हिल्स पाए जाते हैं ओ oh गॉड ये आशु सर ने सेटअप किया हुआ है अपने किसी एक्सपेरिमेंट का ये देखो ना ठीक है

सही बोल रही हो ना नहीं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट आप सही बोल रही हो ठीक है हाँ इट इज़ वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट बुंदेलखंड भागेलखंड यहाँ पे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हाँ प्लेट्यू जो है वो आगे छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक्सटेंड हो जाता है सेंट्रल का ही पार्ट माना जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू में ये नर्मदा रिवर के साउथ में देखा जाए तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर वो नर्मदा रिवर के नीचे तो यहां से निकलती है नर्मदा रिवर तो इसके ऊपर हो गया सेंट्रल हाईलैंड नीचे हो गया डेकन प्लेट्यू ये बीच में आपकी हो गई नर्मदा रिवर ठीक है बच्चो तो इसको डिवाइड कर रही है इट इस ट्राइंगर शेप सतपुरा रेंज होती है यहाँ पे नदन पार्ट है उसके ऊपर का देन महादेव कैमूर हिल्स मैकल हिल्स जो है वो उसका ईस्टर्न पार्ट है स्लोप जो होता है डेकन प्लेट्यू का वो वेस्ट टू ईस्ट होता है और ये एक्सटेंड करता है नदन ईस्ट साइड पे मेघालय वगैरह कवर करते हुए गारो खासी जयंतिया हिल्स इसके प्रोमिनेंट रेंजेज़ हैं जो हमने पढ़े थे असम हिमालयाज में रिमेंबर ये इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है यानी कि Then Western and Eastern ghats. तो बेटा बेटा जी ये ये ये, ये जो हैं, बता देती आपको करके, होते रीजन ही तो एलिवेशन यानी कि हाइट एलिवेशन का मतलब होता है हाइट और वेस्टर्न घाट इज नाइन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट सिक्स हंड्रेड मीटर्स तो ईस्टर्न घाट्स आर लेस द ईस्टर्न घाट स्ट्रेट फ्राम महानदी वैली टू द नीलगिरीज एंड द वेस्टर्न घाट्स के कॉज ओशनोग्राफिक रेंज क्योंकि बेटा वेस्टर्न साइड से हवाएँ आती हैं जिसकी वजह से रेंज क्रिएट होती हैं ओशन की तरफ से सो दिस वॉज़ योर फैनसुलर फ्लैट यू नाउ टेल मी वन क्वेश्चन फ्राम दिस थिंग अरे भाई बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है अब तो हमारा यार आधे घंटे में हमने तीन बड़े बड़े चीज़ें लाइक पेनसोला प्लेट्यू नदन प्लेन्स हिमालयन माउंटेन्स कवर कर लिया चलिए आप मुझे क्वेश्चन बताइए आप मुझे क्वेश्चन बताइए कौन सी रिवर है जो डेकन प्लेट्यू और सेंट्रल हाइलैंड को डिवाइड करती है टाइम टाइम डाल दीजिएगा भूलिएगा मत कौन सी रिवर है जो सेंट्रल हाइलैंड एंड डेकन प्लेट्यू को डिवाइड करती है आंसर लिख दीजिए नाइन्थ के बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनके लिए एकदम से इतना सारा कुछ आ गया है ना भाई मुबारक को अगली तारीख लग गई बारह बज के पांच मिनट हो गए ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं बच्चों इंडियन डेजर्ट इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स तो इंडियन डेजर्ट है आपका ये वाला एरिया आपके हो गए ईस्टर्न घाट ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट ईस्टर्न वेस्टर्न मतलब यार दिस रीजन गेट्स स्कैंटी रेनफॉल स्कैंटी का मतलब कम रेनफॉल विच इज लेस देन वन फिफ्टी मिलीमीटर्स इन ईयर जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट सूखा और वेजिटेशन भी कम होती है लूनी इकलौती रिवर है यहाँ की लेकिन ये भी सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखती है यहाँ पे सैंडूंस पाए जाते हैं सैंड्यूंस का मतलब होता है मिट्टी के टीले पाए जाते हैं मिट्टी के टीले पाए जाते हैं जिन्हें बर्चन भी कहा जाता है तो यही था आपका इंडियन डेजर्ट बस इतनी सी चीज़ मैंने आपको कहा था बात के जो तीन होंगे वो बहुत आसान होंगे है ना बात के तीन बहुत आसान है आईलैंड इज लाइक चुटकियों में हो जाएगा कोस्टल प्लेन्स चुटकीयों में हो जाएगा इंडियन डेजर्ट चुटकीयों में हो जाएगा छोटा सा छोटा छोटा अब हम बात करते हैं द कोस्टल प्लेन्स की पेनसुलर प्लेट्यू जो है वो कोस्टल स्ट्रिप से घिरा हुआ है जो हमने अभी घाट्स पढ़ी ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स दे रन अलोंग अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट द वेस्टर्न कोस्ट लाइ बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा यहाँ पे अगर आपका अरेबियन सी है और ये पूरा हमने पढ़ा कि ये वेस्टर्न घाट है तो ये पूरा क्या हो गया बेटा कोस्टल रीजन हो गया ये सारा कोस्टल रीजन हो गया ये पूरा आपका कोस्टल रीजन हो गया सेम इस साइड है इस साइड भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल दो मेजर ड्रेनेज एरिया बेटा ड्रेनेज कर लेना वन शॉट का बहुत ही मजेदार कराया है आप लोगों को ये हो गए आपके ईस्टर्न गार्ड्स, और यहाँ पे हो गया आपका कोस्टल रीजन, ठीक है तो बेटा जी इट इज डिवाइड इनटू थ्री सेक्शंस। द कोंकण जिसमें मुंबई एंड गोवा आता है वन मार्कर क्वेश्चन है बेटा जी। इस तरफ कन्नाड़ा प्लेन सेंट्रल पार्ट में हो गया यानी कि इस तरफ एंड ईस्टर्न पार्ट में मालाबार कोस्ट हो गया द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर चौड़ा है एंड इट रन अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल इट इज डिवाइडेड इनटू यहाँ पे वेस्टर्न लिखा है ईस्टर्न आएगा ईस्टर्न आएगा इधर गलती से लिखा गया है बे ऑफ बंगाल की तरफ इट इज डिवाइड इंटू टू पार्ट नदन पार्ट इज कॉल्ड नदन सिरसर ये ऊपर का पार्ट इज नदन सिरसर सदन पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट एक्सटेंटिव डेल्टाज फॉर्म बाय द लार्ज रिवर्स लाइक महानदी गोदावरी कावेरी ये हमने सब पढ़ा है महानदी कावेरी ये सब आके ऑफ बे बंगाल में ही ड्रेन होती है ब्रह्मपुत्र भी इंदस भी बहुत कम जाती है सी में इसी के साथ हमारा कोस्टल प्लेन भी खत्म होता है अब हमारा बचा है लास्ट फिजियोग्राफिक डिविजन यार बहुत जल्दी हो गया है, है द आईलैंड तो बेटा जी लक्षदीप आता है आपका अरेबियन सी में इस तरफ जो भी हमने पीछे अरेबियन सी पढ़ा और इस तरफ आता है आपका अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार अंडमान इज इन द नॉर्थ एंड निकोबार इज इन द साउथ तो इट्स एरिया इज थर्टी टू स्क्वायर किलोमीटर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर जो है लक्षद्वीप के वो कावरती में वन मार्कर क्वेश्चन अगेन ये ग्रुप ऑफ आईलैंड जो है यहाँ पे काफ़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बेटा जी फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं वो बिगर इन साइज हैं और इनके पास काफी आइलैंड पाए जाते हैं देन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैन बी डिवाइड इन टू टू ग्रुप्स अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ अंडमान ऊपर निकोबार नीचे इसी के साथ हमारा 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 ऑफिशियली अगर हम नोट्स वाइज देखें चैप्टर खत्म हो गया लेकिन आप लोग कहीं जाने नहीं वाले हैं क्योंकि पहले हम इसके एन सी आर टी क्वेश्चन करेंगे एन सी आर टी क्वेश्चन और फिजिकल फीचर्स इससे पहले आप मुझे दो तीन क्वेश्चन के आंसर देती जे लक्षदीप का हेड क्वार्टर है आंसर करो तब तक तुम लोग जल्दी से तब तक मैं एनसीआर की पीडीएफ निकाल लू हाँ हां पीडीएफ गई हम्म मिल गई ठीक है अब आप लोग मेरे साथ साथ आंसर करेंगे एन खोल लीजिए मैंने भी खोल ली है आप लोग भी खोल लीजिए पहला क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो अ लैंड मार्क्स बाउंडेड बाई सी ऑन द थ्री साइड इज रेफर्ड टू ऑन आंसर करिए कॉमेंट्स में आंसर चाहिए मुझको पहले आप बताइए इसका आंसर फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर बताइए बेटा ऐसी लैंड मार्क्स जो कि सराउंडेड है तीन तरफ से पानी से वो कोस्ट है आइलैंड है पेनिनसुला या नन ऑफ द अब सो द करेक्ट आंसर इज पेनिनसुला सेकेंड इज माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड म्यांमार के साथ क्या है हिमाचल उत्तराखंड पूर्वांचल या नन ऑफ द अब आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो कि गोवा की तरफ जाती है वो कौन सी है कोरोमंडल कोंकण कन्नड़ नर्दन सिरसर फोर्थ हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाटा डू यू नो में था आपकी किताब मेंचल इट वॉज कन्नड़ महेंद्रगिड क्वेश्चन की अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं भाबर क्या है तो बेटा भाबर की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखनी होगी के भाबर इज़ द सदन बेल्ट ऑफ़ शिवालिक्स एंड इट इज़ एट टू सिक्सटीन किलोमीटर्स ऑफ विट नेम थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयाज ये मैंने आपको दिया भी था एंड आपको नॉर्थ टू साउथ बताना है यानी कि नॉर्थ टू साउथ में आपके आ गए ग्रेटर हिमालयाज लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालज हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक्स देन आपके आ गया विच प्लेटयू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज तो आपका आ गया मालवा प्लेटयू देन आपका आ गया नेम द आईलैंड ग्रुप हैविंग इन कोरल रिजन कोरल्स का मतलब होता है बेटा वेजिटेशन बिलो द रिवर बिलो द सी तो इट्स लक्षद्वीप ओके देन डिस्टिंग बिट्वीन अभी आगे करा रही हूं ये सब आपको आगे करा रही हूँ शॉर्ट नोट अभी आगे करा रही हूँ ये सब आपको अभी करा रही हूँ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, extra questions में सब कवर हो जाएगा ठीक है बच्चो इतना क्लियर है आपको विद एनसी आटी चैप्टर पहले तो ये बता दो अगर कोई डाउट है तो अभी लिख दो कॉमेंट्स में अभी चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है इतना घुसना नहीं है घुसने का है ही नहीं इतना चलिए ये तो अब आपका डिलीट हो चुका है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये डिलीटेड है प्लेट्यू किससे बना है इग्नियस और मेटामॉफिक रॉक से बना है लॉन्जिट्यूडल डिविजन क्या है हिमाद्री है हिमाचल है शिवालिक्स है हाउ आर द हिमालया डिवाइडेड रीजनली ऑन द बेसिस ऑफ द वैलीज तो पंजाब हिमालयास किमाऊ हिमालस नेपाल हिमालयास असम हिमालयास ठीक है डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है बेटा ये मेन रिवर से जितने भी अलग अलग स्ट्रीम्स निकलती हैं उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज देन आपको बताना है नॉट टू नदन प्लेन्स की बाइफोकेशन पंजाब गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्रा प्लेन पंजाब प्लेन गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्रा प्लेन व्हाट आर द रिलीफ फीचर्स नदन प्लेन्स के तो चार कौन से थे भाबर तेरे भांगर एंड खादर ये तो सॉइल के ही पार्ट्स थे विच फॉर्म फीचर वॉज अ पार्ट ऑफ गोंदवाना तो गोंदवाना से कौन सा बना है पेनिंसुलर प्लेट्यू वन मार्क क्वेश्चन बता रही हूँ तुम लोगों को मैं कौन सा प्लेट्यू लाए करता है अरावलीज और विद्यन रेंज में अभी आया भी था मालवा प्लेट्यू वेयर इज द अरावली हिल्स लोकेटेड तो बेटा जी ये डेजर्ट रीजन में अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न पार्ट में लाए करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऑफ द पेनिंसुलर प्लेट्यू ऑफ राजस्थान इन राजस्थान लैंड मार्क्स जो कि गोंदवाना से बनी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सदर्न अफ्रीका साउथ अमेरिका वॉट इज अ डोब डोब क्या होता है कि दो रिवर्स के बी दो मीनस टू एंड एब मीन्स वाटर एब मीन्स वाटर तो दो वाटर यानी कि दो रिवर्स के बीच की जमीन दो रिवर स्ट्रीम्स अगर बह रही हैं उनके बीच का लैंड एरिया इज डोब वॉट आर रिवर आइन आईलैंड तो बेटा जी रिवर के नीचे वेलोसिटी को कम करने के लिए एक जेंटल स्लोप होता है ठीक है उसे हम बोल इससे क्या होता है फ्लो ऑफ रिवर डिक्रीज हो जाता है इसे हम बोलते हैं रिवर राइन आइलैंड देन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हैज गॉट अ बर्ड सेंचुरी पिटली आइलैंड ये डू यू नो मिथ था आपका अगैन पिटली आइलैंड ठीक है देख लो यार तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आई हूँ डिफ्रेंसीशन दिस इज डिलीटेड बिकॉज ये डिलीटेड हाउ वॉज द हिमालयास फॉर्म्ड ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है देखिए बेटा क्या हुआ था हिमालयास जो है वो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही बने थे यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर द प्लेट्स जो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ क्वैक्स एंड डिविजन्स ऑफ लैंड मार्क्स टेक्टॉनिक प्लेट्स जो होती हैं वो बिलो द अर्थ पाई जाने वाली तीन तरीके की प्लेट्स होती हैं तो सम सेवेंटी बिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट जो थी वो चलने लगी टुवॉर्ड द यूरोशियन यूरेशियन प्लेट एंड द टिथ सी बिटवीन द टू बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू दिस मूवमेंट जिसकी वजह से एक लेटरल कंप्रेशन हुआ और वो ऐसे ज़मीन बल्ज आउट हुई और उन्होंने हिमालयन माउंटेंस फॉर्म करने शुरू कर दिए सेडमेंट्स को इकट्ठा कर कर शेप एंड साइज ऑफ़ हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो ये आर्क बनाते हैं वेस्ट टू ईस्ट साइड पर लाए करते हैं इनकी जो विथ है वो फोर हंड्रेड किलोमीटर्स कश्मीर में एंड वन फिफ्टी किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश साइड है दैन एवरेज हाइट जो इनकी है वो छः हज़ार से नौ सौ मीटर तक वैरी करती है हिमालज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स इसको जस्टिफाई कीजिए मैं आपको अभी फर्स्ट सेक्शन से सारे क्वेश्चन करा रही हूँ हिमालयाज से तो बेटा जी हिमालय जो थे वो फॉर्म हुए थे अगेन कन्वर्जेंस की वजह से यंग फुल माउंटेन ये वही सब सारा का सारा इसके अंदर आंसर आएगा इसके बाद अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाद्री के बारे में आपको बताना है ऑलरेडी डिस्कस्ड हिमाचल के बारे में आप पूरा बताएंगे एंड शिवालिक्स के बारे में आप पूरा बताएंगे देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा था हम पॉइंट्स कैसे बनाएं तो दिस इज़ योर आंसर आप पॉइंट्स ये ऐसे बना सकते हैं है ना आपको ये पीपीटी लेनी है आपको इससे पॉइंट्स लेने हैं आपको इसके नोट्स बनाने हैं तभी बेटा आएगा ये चैप्टर यू कॉन्ट ब्लेम मी फॉर दिस चैप्टर मैम आपने समझाया मैं समझ नहीं आया नहीं ये चैप्टर है ही ऐसा आपको जब तक आप बंद कमरे में चिटकनी लगा के नहीं बैठोगे खुद पढ़ने तब तक नहीं आएगा तो ये सारे पार्ट्स हो गए देन नदन प्लेन्स कैसे बने हिमालया से बनने के बाद फुटहिल्स जो थे हिमालयास के वो धीरे 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 बढ़ते गए एंड ये फॉर्म uh, हुए आपके हिमालयास और सॉरी नार्दर्न प्लेन्स और वैसे भी ये तीन रिवर्स का मिक्सचर है गंगा ब्रह्मपुत्र एंड दस अब अगर हम बात करें नार्दर्न प्लेन्स में क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बेटा पहली बात तो ये ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल कंसिस्ट करते हैं एलुवियल जिससे हो सकती है यहाँ पर खेती बाड़ी. और खेती से लोगों के घर चलते हैं लाइवलीहुड देता है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं आके दूसरी चीज़ बेटा जी यहाँ पे क्लाइमेट बहुत एडिक्वेट है यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है और यहाँ रिवर सप्लाई भी है क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है मेन रिवर्स हैं जो कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ये रहा बेटा भागर और भाबर और तेराई में डिफरेंस ये रहा आपका भागर और खादर में डिफरेंस न्यू है न्यू है ये ओल्ड है ये न्यू की वजह से मोर फर्टाइल है ये थोड़ी सी लेस फर्टाइल है इसमें फाइन पार्टिकल्स हैं इसमें कोर्स पार्टिकल्स हैं इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट है नया नया है इसका कलर डार्क है ये पास में पाई जाती है नियर, ये थोड़ी सी फार पाई जाती है इम्पॉर्टेंट है ये बच्चों नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स ये भी मैंने आपको बताया ये सारा वही है कोई वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स इसके एक चीज़ में डिफ हाँ छः सौ से नौ सौ ठीक है इसके बाद आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस एवरी डिफरेंस इज गिवन अभी आपको पूछा था एन में डिफरेंस बताओ भांगर और खादर और वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में तो ये देख लो बेटा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स भांगर एंड खादर भैया आंसर दे दिया मैंने तुमको एनसीआरटी का आंसर है ये और ये भी ये आ गए अंदमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में डिफरेंस ये बे ऑफ बंगाल का है वो अरेबियन सी का है इसका वॉलकैनो की वजह से बना है और ये बना है कोरल की वजह से कोरल्स की वजह से ये है भैया चेन ऑफ आइलैंड और ये तो इकलौता आइलैंड है क्लस्टर है इसके अंदर तो बहुत सारे बत्तीस किलोमीटर का है ये आइलैंड ग्रुप जो है वो थोड़े से मेन लैंड से दूर है लेकिन ये आइलैंड ग्रुप जो है जो मेन लैंड के पास है इसमें जो है इसकी यूनिट जो है वो पोर्ट ब्लेयर है और इसकी जो है वो कावरती है लक्षद्वीप की कावरती है फिर आता है फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट अब इंडियन डेजर्ट के आप पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं देख लीजिए यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है ये वेजिटेशन बहुत कम होती है इसमें सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं लूनी क्लॉथी रिवर है वो भी सीजनल इन नेचर है हाउ कैन यू से दैट डाइवर्स फिजिकल फ़ीचर्स इन इंडिया मेक्स द कंट्री रिचर तो बेटा जी अगर हमारे देश में मिनरल्स रिसोर्सेज ये सब ज़्यादा पाए जाएँगे तो लोगों के पास अच्छी इनकम आएगी और अच्छी इनकम आने की वजह से वो लोग ज़्यादा एक्सपैंड और एलेबोरेट कर पाएंगे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया अलग अलग फ़िज़िकल जो फ़ीचर्स हैं वो हमारी लाइफ में हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो दिस वॉज़ योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ

लिखवाती हूँ तो आप लोगों को ये मुफ्त में बिल्कुल मिल रहे हैं आप इन्हीं को भी कर लेंगे तो बहुत है आई नो एवरी बच्चा इज नॉट इक्वल एंड इंटेलिजेंट बट अगर आप यही क्वेश्चन इस पीपीटी के क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड एनसीआरटी क्वेश्चंस क्वेश्चन जरूर करने हैं ज़रूर करने हैं आपको मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ रीमा आशु घई इज़ माई आई डी आप वहाँ पर मुझे आप मेरे डी एम्स में फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं मैं वहाँ पर भी चेक कर देती हूँ कोई प्रॉब्लम होगी तो बता भी देती हूँ ठीक है आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड कॉमेंट्स दिस चैप्टर के नीचे कि मैम जो मैंने आपको शुरुआत में बोला लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि अब आपको नेक्स्ट कौन सा वन शॉट चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं सेप्ट में आई नो आपका शायद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी आना हो आई डोंट नो वो आप बता दीजिएगा मैं आपको पूरा चैप्टर जो भी आप मेजोरिटी में लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट करवा दूँगी सो so, मिलते हैं ऐसे ही एक वैल्यूएबल लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय गुड नाइट मेरे लिए